जंगली भालू के अचानक गांव में आने से दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। जब वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची तो भालू कुएं में जा गिरा। घंटों की मशक्कत के बाद उसे बचाया जा सका। ये मामला छतरपुर का है। रेंजर विनोद अवस्थी ने बताया कि भालू के गांव में आने की खबर जैसे ही हमें मिली, हम लोगों ने गांव में पहुंचकर भालू को रेस्क्यू करना चाहा, लेकिन भालू दौड़ते हुए कुएं में जा गिरा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को कुएं से बाहर निकाला गया। भालू को पन्ना नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ा गया है। अच्छा, भालू एकदम से उठ के गया और एक बगल में कुआ था, उसमें जाके गिर गया। पानी में, कुएं में की जो गहराई है वो काफ़ी, और उसमें पानी भी काफ़ी था, तो हम लोगों ने जाल डला के उसको पानी से ऊपर कर लिया ताकि ये पानी में डूब के कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। तो अभी उसको वहाँ पे टंगवा दिया है और बाकी ये पन्ने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया है, उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व से टीम बुलाई है और टीम आएगी तो उसको रेस्क्यू करके उसको जंगल में छुड़वाया जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।